जी बताएं, जैसा आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति की बैठक यहाँ भाटपारानी तहसील सभागार में जो आयोजित की गई, तो क्या मुद्दा रहा आज की बैठक में, क्या कहेंगे आप? हमारा संगठन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ अपने साथ जुड़े पत्रकार साथियों के उत्पीड़न के विषय में, उन्हें सहयोग के विषय में, सरकार से लोन मिलने वाली सुविधाओं को दिलवाने के विषय में और अपने स्तर पे क्या हो सकता है, संगठन के माध्यम से अपने पत्रकार साथियों का लगभग 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा और एक कोष की स्थापना, जिससे हम लोग अपने साथ जुड़े पत्रकार साथियों को अगर कुछ उनके साथ घटना दुर्घटना या किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उन्हें तात्कालिक कुछ सहयोग मुहैया करा सकें। जी, आज इन्हीं विचारों को लेकर जो है कि बैठक यहाँ हुई। बतावें, जैसा कि जनपद सही जो है कि अन्य जगह भी जहाँ पत्रकार उत्पीड़न जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर जो है कि पत्रकार तमाम संगठन है एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं चाहूँगा कि हर संगठन आपसी मतभेद भुला के एक बैनर तले आए और कहीं भी इस प्रदेश, इस देश में कहीं भी किसी पत्रकार का उत्पीड़न होता हो तो निश्चित रूप से एक बैनर तले उनका हर संभव मदद किया जाए, उनके उत्पीड़न को रोका जाए और उनके हर सुख दुख में साथी बना जाए। सभी संगठनों से मैं यही आह्वान करूंगा और हमारे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है कि ताकि सब संगठन एक साथ आए। जी, आपका क्या नाम होगा और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति में आपका पद क्या है? मैं प्रेम कुमार यादव, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति के उत्तर प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ और इस संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ।